तकलीफ नहीं कि पोस्टपोन हो गया, मुझे ये तकलीफ है कि उन चारों के वकील एपी सिंह ने मुझे चैलेंज करके कोर्ट में गया है कि ये फांसी अनंत तक काल तक नहीं होगी। तो ये कोर्ट सुन ले, दिल्ली सरकार सुन ले, केंद्र सरकार सुन ले, तो उसने कहा के गया है कि ये फांसी अनंत काल के लिए चल गई। तो कहीं ना कहीं सरकार हमें 7 साल पहले हमारे बच्ची के साथ क्राइम हुआ था, बार बार हमारे को उन मुजरिमों के सामने सरकार झुका रही है, कोर्ट झुका रहा है। आज लंबे समय तक आंटी आपने इंतजार किया और आपकी उम्मीद थी आपसे। मैं सुबह 10 बजे से कोर्ट में आके बैठी हूँ, अगर यही पोस्टपोन ही करना था तो इतना पूरे दिन बैठाने की क्या जरूरत थी। आप फैसला देते हम घर जाते, लेकिन नहीं, पूरे टाइम हमने इंतजार किया। हमें भी उम्मीद होती है कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन सबसे दुख की बात है कि एक मुजरिम का वकील हमें चैलेंज करके गया कि ये फांसी कभी नहीं हो सकती। आपको नहीं लगता कि कानूनी, जो कानूनी लूप होल्स हैं, जो कानूनी कमियां हैं, उसका फायदा पूरी तरीके से जो दोषी हैं वो उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं, या उनको सरकार और कोर्ट मौका दे रही है कि उठाओ, क्योंकि वो देश के पुरुष हैं, वो बच्ची का कोई हक नहीं था दुनिया में जीने का। इन्होंने क्राइम किया, लेकिन इनका हक है कि ये बार बार फांसी के डेट को पोस्टपोन करवा रहे हैं और मेरे को चैलेंज करवा करके गया कि फांसी नहीं हो सकती। बहुत उम्मीद से थी चमत्कार होगा, आपको नहीं उम्मीद था, लेकिन नहीं चमत्कार नहीं हो पाया, जो उम्मीद आपकी नहीं। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि चमत्कार होगा, लेकिन सुबह भी मैंने कहा था कि डेट वारंट जारी है, तब तक उम्मीद है। लड़ाई क्या सोचा आपने आगे? मैं लड़ूंगी, सरकार को उनको फांसी देना होगा, नहीं तो पूरे समाज को सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट को सिलेंडर करना होगा कि हमने फांसी की सजा लोगों को गुमराह करने के लिए दिया था, शांत करने के लिए दिया था।